गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 11th सीबीएसई सेट्स लेक्चर 6 आप लोगों के सामने चालू होने वाला है। लेक्चर 5 में हम लोगों ने देखा कि सेट्स की जो वेरियस एप्लीकेशंस हैं उनको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो हम लोग एप्लीकेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी कि यूनियन ऑफ टू और मोर सेट्स, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट्स, ये जो एप्लीकेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है उन्हीं एप्लीकेशन को अगर हम प्रैक्टिकली समझिएगा जरा, उन्हीं एप्लीकेशंस को यानी सेट्स की जो वेरियस डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, सेट्स की वेरियस डिफरेंट एप्लीकेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट्स, सेट्स की जो ये वेरियस डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, इन्हीं को अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में रिलेट कराते हैं, इनको हम प्रैक्टिकली ले जाए, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करा दें और उस प्रैक्टिकल लाइफ में उसको हम जो है एक पिक्चोरियल डायग्राम के रूप में दिखा दें, एक डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कर दें डायग्राम के फॉर्म में, तो दिस इज सेड टू बी वेन डायग्राम। तो यहीं से आज का हम लोगों का टॉपिक चालू होगा और आप लोगों की एक्सरसाइज जब आगे प्रोसीड होगी तो उसमें वेन डायग्राम आना शुरू हो जाएंगे और आ गए होंगे। तो ये वेन डायग्राम होता क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स, यानी सेट्स की जो वेरियस एप्लीकेशंस हैं लाइक यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, कॉम्प्लीमेंट्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सारी एप्लीकेशंस को अगर हम एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, उनका एक हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाए या ये कहें कि उनका एक डायग्रामेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करें, और वो डायग्रामेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, रेक्टेंगल्स और सर्कल के फॉर्म में, रेक्टेंगल्स और सर्कल के फॉर्म में होगा, उसी को हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। और इसमें जो रेक्टेंगल होता है, ये जो रेक्टेंगल जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये रेक्टेंगल जो है एक यूनिवर्सल सेट का काम करता है। ये समझो कि ये जो पूरा रेक्टेंगल है ये एक यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। यूनिवर्सल सेट का मतलब कि ये हमारा पूरा समाज है, ये पूरा समाज है, ये हमारा पूरा समाज है, पूरा सोसाइटी है। और जो सर्कल्स होते हैं इसके अंदर जो अलग अलग तरह के सर्कल्स दिखाएंगे वो सेट्स को बताएंगे, सेट ए, सेट बी, मतलब रेक्टेंगल जो है वो हमारी पूरी सोसाइटी को बता रहा है। देखो हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको लेके जा रहे हैं, रेक्टेंगल जो हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे वेन डायग्राम में, जो रेक्टेंगल बनाते हैं वो पूरे सोसाइटी को बताता है, हमारे पूरे समाज को बता रहा है। मान लो हमने उसमें दो सर्कल दिखा दिए, एक सेट ए दिखा दिया, एक सेट बी दिखा दिया, तो ये जो सर्कल्स हैं वो सेट्स को दिखाते हैं। और सेट्स क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब ये पूरा समाज है और इसमें सेट ए सेट बी है। थोड़ी देर के लिए अगर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो कि हमने तुम्हारे सामने एक रेक्टेंगल बनाया, ये यूनिवर्सल सेट को बता रहा है, हमने यहां पर एक सर्कल बनाया जो सेट ए को बता रहा है, दूसरा सर्कल बनाया सेट बी को बता रहा है, ये जो सेट ए है ये चाय पीने वाले लोगों को बता रहा है, ये चाय पीने वाले लोगों का सर्वे बता रहा है, और ये कॉफी पीने वाले लोगों का सर्वे बता रहा है। ये सेट ए जो है चाय पीने वाले लोग हैं और बी जो है कॉफी पीने वाले लोग हैं। प्रैक्टिकली समझिएगा स्टूडेंट, सेट्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अब आपको और इंटरेस्ट आएगा जैसे ही वेन डायग्राम चालू होता है, यहां से हम लोगों की आंखें खुल जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल, थोड़ी देर के लिए अगर हम तुमसे कहते हैं कि तुमको हम एक विजिलेटर बनाते हैं, विजिलेटर, विजिलेटर किस चीज का, तुमको एक सर्वेयर बनाना है, सर्वेयर मतलब कि तुमको हमने कहा कि टाई बेल्ट लगाओ, बढ़िया से नहा धोके टाई बेल्ट लगा के जाओ और इस पूरे कॉलोनी का सर्वे करके आओ।
तुम अपनी पूरी कॉलोनी का सर्वे करके आओ कि इस कॉलोनी में कौन कौन लोग चाय पीते हैं, कौन कौन लोग कॉफी पीते हैं। केवल चाय और कॉफी का डेटा हम लोगों को कलेक्ट करना है। अब मान लो कि तुम नहा दो, एकदम तैयार हो गए, टाई बेल्ट लगा के तुम गए, तुमने कॉपी पेन उठाया और सर्वे करने जा रहे हो। जैसे देखते होंगे कि सर्वेयर जो है डोर टू डोर आते हैं। अब तुम किसका सर्वे कर रहे हो? पूरी कॉलोनी का। ये पूरी कॉलोनी जो है ये तुम्हारी रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल पूरी कॉलोनी है। अब उस कॉलोनी में किस चीज का सर्वे करने जा रहे हो? जो लोग चाय पीते हैं, जो लोग कॉफी पीते हैं, उनका डोर टू डोर जाकर तुम पता करने जा रहे हो। तो सेट ए बता रहा है चाय पीने वाले लोग, सेट बी बता रहा है कॉफी पीने वाले लोग। अब सपोज दैट कि अभी तुम गए नहीं हो, अभी तुम निकले नहीं हो और अब तुम निकलने वाले हो कॉलोनी में सर्वे करने के लिए, और तुम्हारे माइंड में सोचो कि किस तरह की पॉसिबिलिटीज तुम्हारे दिमाग में चल रही होगी कि तुम उन लोगों को सर्वे करने जा रहे हो, कि हर आदमी से पूछने जा रहे हो कि तुम चाय पीते हो कि कॉफी पीते हो। तो सोचो यार कि किस किस मेंटेलिटी के लोग हमको मिलेंगे। मे भी हो सकता है कि हमने एक दरवाजा खटखटाया और वहां पे बोला कि उसने, फैमिली ने बोला कि हम लोग केवल चाय पीते हैं, हम लोग कॉफी नहीं पीते। मे भी हो सकता है, मे भी हो सकता है कि उन्होंने वो ये कह दिया होता कि हम लोग केवल कॉफी पीते हैं, चाय नहीं पीते। मे भी ये भी हो सकता है कि वो कह दे कि हम लोग चाय कॉफी दोनों पीते हैं। मे भी ये हो सकता है कि वो कह दे कि हम लोग चाय कॉफी दोनों नहीं पीते हैं। तो ये देखो इस तरह की पॉसिबिलिटीज आएंगी, ओनली टी और ओनली कॉफी और बोथ टी एंड कॉफी, नाइदर टी नॉर कॉफी, ये पॉसिबिलिटीज आ सकती है। तो देखो ये तुम्हारे सामने जो सर्वे हुआ है, अब इस पार्ट को देखो, अगर हम लोग इस पार्ट को अगर स्टूडेंट केवल हम लोग जो है शेड कर रहे हैं, अगर हम लोग ने केवल इस पार्ट को शेड किया तो ये किसको बताएगा? ओनली टी, ओनली चाय, केवल चाय पीने वाले लोग। हमने इस पार्ट को अगर शेड किया, इस पार्ट को अगर हमने शेड किया तो ये ओनली कॉफी को बताएगा, केवल कॉफी पीने वाले, ओनली चाय पीने वाले, ओनली कॉफी पीने वाले। अच्छा, बीच वाली इस पार्ट को अगर हम ले लेते हैं, इसको हम क्रॉस क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस क्रॉस ये डिजाइन बना रहे हैं, तो ये बोथ चाय एंड कॉफी हो गया, एकदम सही है, ये दोनों को बता रहा है। और अगर हम इधर से बाहर की तरफ चल रहे हैं, बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ जो डैश 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 हम दिखा रहे हैं पॉइंट से, मान लो दिखा रहे हैं, ये जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा? नाइदर टी नॉर कॉफी। तो देखो स्टूडेंट, एक छोटा सा हमने अभी एग्जांपल लिया है और तुम लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेट्स की कितनी बड़ी एप्लीकेशन है। मतलब सेट्स से हम लोग क्या कर सकते हैं? सर्वे वगैरह कर सकते हैं। उस सर्वे किससे हम लोग जो है अपने इस रेक्टेंगल और सर्कल्स को बना बना के अपने डेटा को हम लोग पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ग्राफिकल बता सकते हैं कि कितने परसेंट लोग चाय पीते हैं, कितने परसेंट लोग कॉफी पीते हैं, कितने परसेंट लोग दोनों पीते हैं, कितने परसेंट लोग नहीं पीते हैं, दोनों नहीं पीते हैं, ये सब इस तरीके से। अभी तो केवल दो सेट्स की बात हो रही है तो दो सर्कल बना है, तीन सेट्स की बात होगी तो तीन सर्कल बनेगा। तब सोचो चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक, केवल चाय, केवल कॉफी, केवल कोल्ड ड्रिंक, चाय कॉफी दोनों, कोल्ड ड्रिंक नहीं, कॉफी कोल्ड ड्रिंक दोनों, चाय नहीं, कोल्ड ड्रिंक चाय दोनों, कॉफी नहीं, और चाय एंड कॉफी बट नॉट कोल्ड ड्रिंक, इस तरीके से ऑल थ्री, हो सकता है तीनों, हो सकता है तीनों नहीं, मतलब बहुत सारे डेटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये जो सेट थ्योरी है इसकी एप्लीकेशन ये है कि आपसे कोई पूछ दिया कि सेट का रोल क्या है, सेट्स का मतलब, सेट्स तो हमने पढ़ लिया कि कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, वेरियस वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होता है। तो इसका यूज क्या है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, यूज क्या है? तो डेटा एनालिसिस, ये डेटा एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल है, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस। ये आप लोग कैट में, कैट या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो लोग डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं उनसे जाके पूछिए कि उनके सामने वेन डायग्राम बहुत सारे आते हैं इस तरह के। तो इस सेट्स का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है डेटा एनालिसिस, ये पता लगाता है डिफरेंट वेरियस तरह के डेटा को ये कलेक्ट करके उसको ग्राफिकल शो करके दिखा सकता है कि कौन कौन चीज किस किस कैटेगरी में जा रही है और उसका इंडिविजुअल परसेंटेज क्या है, ये सारी चीजों को डिफाइन कर सकता है। तो चलिए अब आप लोगों को पता चल गया होगा वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम इज अ डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन
और पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट्स एटसेट्रा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स इस सेट टू बी वेन डायग्राम। इसमें रेक्टेंगल जो होता है वो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा और जो सर्कल्स होते हैं वो डिफरेंट सेट्स के रूप में वर्क करते हैं। तो चलिए हम इसका आपके सामने वेन डायग्राम डिफरेंट एप्लीकेशंस का शो करते हैं। अब हम आपके सामने हमने कहा कि मेक वेन डायग्राम्स फॉर फॉलोइंग्स, आप नीचे दिए गए फॉलोइंग्स जो दिए हुए हैं उनके लिए आप वेन डायग्राम तैयार करिए। पहला है, आपको कहा जा रहा है कि आप ए यूनियन बी के लिए वेन डायग्राम बनाइए। चलिए ए यूनियन बी के लिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं, मतलब सेट ए सेट बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, उनके यूनियन के लिए अगर वेन डायग्राम बनाना है तो बताओ ये रेक्टेंगल क्या है, यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। यहां पर दो सर्कल बनेंगे स्टूडेंट्स ए बी, अब आपसे ए यूनियन बी, आपसे कह रहा है कि भैया एन ए यूनियन बी, मतलब ये ए यूनियन बी की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको तुम उसको करके दिखाओ, उसको शेड करके दिखाओ, शेड आपसे कहा जाए शेड करो ए यूनियन बी को, या एन ए लगाते हैं कार्डिनल नंबर तो बाद में देख लेंगे। अगर आपसे कहा जा रहा है कि ए यूनियन बी को सेट करो तो यूनियन बताओ कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा सेट ए सेट बी है, उन दोनों के एलिमेंट्स को जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं, कंपाइल कर देते हैं विदाउट रिपीटेशन, कॉमा कॉमा से सब मिला के लिख देते हैं तो उसको यूनियन कहते हैं। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, बिल्कुल आएगा। आपको पता होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है, बी वाले से बिलोंग करेगा बिल्कुल, क्योंकि कॉमन वाले पार्ट्स भी उसमें जुड़ जाते हैं। तो ये आपका ए यूनियन बी का शेडिंग हो गया। सेकंड, अगर ए इंटरसेक्शन बी को कहा जाए तो उनको शेड करो, तुमसे अगर कहा जा रहा है कि तुम ए इंटरसेक्शन बी को शेड करो तो चलिए हम आपके सामने एक वेन डायग्राम तैयार कर रहे हैं। फिर ये यूनिवर्सल सेट हो गया, एक सर्कल हमारा ए है, एक सर्कल हमारा बी है, अगर आपसे कहा जा रहा है कि शेड करो ए इंटरसेक्शन बी को तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब बीच वाला हुआ, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता होगा कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स, और कॉमन एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, दोनों के कॉमन, बीच वाला पॉइंट हुआ। तीसरा, आपसे अगर कहा जाए कि आप ए डैश को शेड करो, चलिए ए डैश की जगह पहले लोग ले लेते हैं ए माइनस बी, अब ये हमने यूनिवर्सल सेट बना दिया, रेक्टेंगल बनाया, यूनिवर्सल सेट, सेट ए सेट बी दो सर्कल बनाए, और आपसे अगर हम कह रहे हैं कि आप शेड करिए ए माइनस बी को, आप ए माइनस बी को शेड करिए, अब तुम बताओ ए माइनस बी को अगर हमको शेड करना है, ए माइनस बी को शेड करो तो ए माइनस बी की डेफिनेशन जरा बताइए। ए माइनस बी कैन बी डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट बी, मतलब ए माइनस बी का मतलब सेट ए के वो एलिमेंट, सेट ए के वो एलिमेंट, ए के सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है, तो मतलब सेट ए के कौन सा एलिमेंट सेट बी में नहीं है, सेट ए का कौन सा एलिमेंट है, ये सेट ए पूरा है, इसके कौन सा एलिमेंट है जो सेट बी में नहीं है, तो वो केवल ए वाले पार्ट है, मतलब यही सेट ए के वो एलिमेंट है, क्योंकि सेट ए पूरा एक सेट हो गया स्टूडेंट। अगर हम यहां पे सेट ए की बात करते हैं तो सेट ए का मतलब पूरा 100% सेट ए, 100% सेट ए की बात कर रहा है, तो सेट ए पूरा हुआ, उसके वो एलिमेंट जो बी में नहीं है तो ये वाले एलिमेंट बी में नहीं है। तो स्टूडेंट इसको ए माइनस बी भी कह सकते हैं और हम लोग ओनली सेट ए भी कह सकते हैं, ओनली, ओनली का मतलब केवल ए की बात कर रहा है, ओनली ए, ओनली ए मतलब केवल ए की बात कर रहा है, इज इट क्लियर, एकदम क्लियर हो गया होगा, ये केवल ओनली ओनली चाय पीने वाले, केवल चाय पीने वाले लोग, तो याद रखिएगा ए माइनस बी और ओनली ए एक ही चीज होती है, ठीक है। इसी कैटेगरी में और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीन वेन डायग्राम हमने आपको दिखाया है,
फॉर्म से लिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, अगर आपसे कहा जाए कि बी माइनस ए को शेड करो, उसके लिए हम लोग वेन डायग्राम तैयार करते हैं। चलिए, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है, फिर दो सर्कल बनाया हमने। अब अगर ए माइनस बी आप लोगों ने कर लिया है, तो शेड करने के लिए अगर बी माइनस ए को कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट बी सेट ए में नहीं है, सेट बी ये पूरा है, इसके कौन से एलिमेंट सेट ए में नहीं है, ये वाले एलिमेंट, तो ये आपको बी माइनस ए को बता रहा है। इसी को और करके हम लोग ओनली बी भी कहते हैं, केवल बी, केवल बी वाला पार्ट। पांचवा, ए कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। चलिए, यूनिवर्सल सेट हमारा ये पूरा है, सेट ए हमने ये लिया, सेट बी हमने ये वाला लिया, दो सर्किल बनाया। आपसे कहा जा रहा है शेड करो ए डैश को, बताओ ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट बताइए हम लोग कैसे निकाल देते हैं। यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, इसका मतलब ये जो बता रहा है वो नॉट ए को बता रहा है, नॉट ए। और वैसे भी मैं आपको बताया था ए ए डैश का मतलब नॉट ए, मतलब ए छोड़ दो यार, ए डैश का मतलब ए पूरा छोड़ दो, बाकी जो बचा है शेड कर दो। बताओ ए को छोड़ देंगे तो ये वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट भी आएगा, एकदम आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल के एलिमेंट्स हम लोग लेने हैं। ये आपका देखिए ए डैश हो गया। छठवां, अगर आपसे कहा जाए कि इसी तरह बी डैश को, बी कॉम्प्लीमेंट को अगर आप शेड करिए, तो अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट को शेड करने की बात कर रहे हैं, देखिए यूनिवर्सल सेट है, सेट ए लिया हमने, सेट बी लिया, बी डैश का मतलब बी को छोड़ दो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट चलता जा रहा है। तो देखिए अब आप लोगों का जो है ये जो हो गया वो शेड हो गया बी नॉट, इसको हम लोग नॉट बी कहेंगे, नॉट बी मतलब बी नहीं है। चलिए बी को छोड़ के सारा पार्ट आ गया। अब स्टूडेंट अगर हम आपसे कहें और थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, अगर हम आपसे कहते हैं कि आप हमको शेड करके दिखाओ ए यूनियन बी का डैश, या अगर आपसे हम कहते हैं कि आप शेड करके दिखाओ हमको ए इंटरसेक्शन बी का डैश, इसको शेड करके दिखाओ, ध्यान दीजिएगा ए यूनियन बी का डैश हमको शेड करना है। तो पहले हमने देखिए यहां पर क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया, फिर ये यूनिवर्सल सेट है, ए हमने ये सेट लिया, सर्कल बनाया एक बी सर्कल, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए शेड ए यूनियन बी का डैश, अब बताओ ए यूनियन बी का डैश का मतलब क्या हुआ, नॉट ए यूनियन बी मतलब जिसमें ए यूनियन बी ना हो, इसका मतलब ए यूनियन बी को छोड़ दो। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि आप ए यूनियन बी के डैश को बताओ, तो सोचो यार ये क्या हो जाएगा, ये एन यूनिवर्सल हो जाएगा माइनस एन ए यूनियन बी को बताएगा। किसी का भी कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना हो तो उसको यूनिवर्सल से माइनस कर देते हैं, यानी यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी हटा दो, ए यूनियन बी में ये तीनों शामिल था, ये पूरा हटा दो, इसका मतलब ये वाला पॉइंट बचेगा, ये जो बाहर वाला है, न चाय न कॉफी, ये जो बाहर वाला पार्ट चल रहा है ये आपका शेडिंग हो गया इसका। इज इट क्लियर, ये आपका शेड हो चुका है ए यूनियन बी का डैश। सिमिलरली अगर हम आपसे कहें कि अब आप एक ए इंटरसेक्शन बी के डैश को आप शेड करके दिखाइए, देखिए एक सर्किल ले लिया हमने, एक सर्कल बी लिया, दो सेट बनाए, यूनिवर्सल सेट है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी का जो नॉट है वो एन यूनिवर्सल माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा, यानी यूनिवर्सल में से कॉमन वाले ए और बी के कॉमन वाले एलिमेंट को हटा दो, हटाओ मतलब हटाओ, यानी देखो यूनिवर्सल में से हटा दो, घटाने का मतलब हटाओ ही होता है, मतलब यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, मतलब ये वाला पार्ट हटा दो, तो ये तो बचेगा ही, ये वाला भी बचेगा, ये वाला पार्ट भी बचेगा, ये देखो इसकी शेडिंग हो गई। स्टूडेंट ध्यान देना, ये सातवां और आठवां हो गया। अब हम दो और ले लेते हैं और उसके बाद हम लोगों का कंसेप्ट काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं इसको अभी रब नहीं कर रहा हूं, एक रीजन है, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। देखिए नाइन्थ है, अगर हम आपसे कह रहे हैं ए डैश
इंटरसेक्शन बी डैश बताओ, इसको आप शेड कर लेगा। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें। देखिए ये रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट को, फिर हमने दो सर्कल बनाया, एक सेट ए को बता रहा है, सेट बी को बता रहा है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि नॉट ए, नॉट ए का मतलब हुआ कि आप ए को छोड़ दीजिए, ये पार्ट भी शामिल है और ये बाहर वाला पार्ट भी शामिल है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट की, तो नॉट ए, नॉट ए का मतलब ए को छोड़ दो, तो ये वाला बचा और ये बाहर वाला बचा। अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि बी को छोड़ दो, ये बचा और ये बाहर वाला बचा, लेकिन उन दोनों के कॉमन की बात कर रहे हैं, तो कॉमन तो बाहर वाला आएगा, मतलब ये वाला पार्ट, ये आपका शेडिंग हो गया। और ना समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए, बताइए, फिर मन में सोचिए, अगर ना समझ में आया तो एकदम क्लियर हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बताइए, अगर आपसे कह रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए को छोड़ दो, ये है बाहर वाला है ए डैश में, बी डैश की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा ए डैश में कौन कौन सा था, ये वाला और बाहर वाला, बी डैश में कौन है, ये वाला बाहर वाला, उन दोनों का कॉमन कौन सा होगा, बाहर वाला, तो बाहर वाला शेड कर दिया। अब देखिए दसवां और लास्ट, इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आ जाएंगे, टेंथ, कि आपको कहा जा रहा है ए डैश यूनियन बी डैश करिए, ए डैश यूनियन बी डैश करिए। देखिए हमने यूनिवर्सल सेट बनाया, फिर से यहां हमने एक सेट ए बनाया सर्कल, एक सेट बी बनाया, ए डैश मतलब कि ए को छोड़ के ये है और बाहर वाला है, बी डैश बी को छोड़ के ये वाला है और बाहर वाला है, यूनियन में तो सब लेते हैं, इसका मतलब बाहर वाला तो चलेगा ही चलेगा, बाहर वाला तो चल ही रहा है, साथ में आपको याद होगा ये वाला भी चलेगा और ये वाला चलेगा, ये तो था ही नहीं बीच वाला, इसका मतलब ये इसकी शेडिंग हो गई। इज इट क्लियर? देखिए हमने आपको ये नीचे वाला रब नहीं किया था स्टूडेंट, इसलिए कि मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं, जरा गौर से देखिए कि क्या ये वाला जो शेडिंग पार्ट है, ये वाला शेडिंग एट्थ और टेंथ वाला सेम है, बिल्कुल सेम है, एट्थ वाला और टेंथ वाला देखो सेम हो गया, एट्थ और टेंथ दोनों सेम हो गया, और जरा गौर से देखो सेवेंथ और नाइन्थ भी सेम हो गया, सेवन और नाइन भी सेम हो गया, मतलब सेवन और नाइन सेम है और एट और टेन सेम है, क्यों? ये फॉर्मूला तैयार हो गया, मतलब अगर आप ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा, और अगर आप ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखिए इसको बताने के पीछे क्या था कि अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो एक नई चीज पढ़ेंगे, टू डी मॉर्गन्स लॉज, दो डी मॉर्गन्स लॉज, डी मॉर्गन एक मैथमेटिशियन का नाम था, उसने अपने लॉज दिए थे, और वो दो डी मॉर्गन लॉ कौन कौन से हैं, पहला एन ए यूनियन बी का डैश, या एन अगर नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ए यूनियन बी का डैश ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर, जरा गौर से देखिए, ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर, जो आपका सेवेंथ और नाइन्थ से क्लियर हो जा रहा है। और एक दूसरा वेन डायग्राम है, जो दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, जो आपका एट और टेन से क्लियर हो जाएगा। तो ये दो जो डी मॉर्गन्स लॉ है, तो अगर आपको कभी प्रूविंग करने के लिए डी मॉर्गन्स लॉ आ रहा है तो आप वेन डायग्राम से प्रूफ कर सकते हैं। चलिए ये था आप लोगों का वेन डायग्राम, और अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग जो है इसके लॉस पे आएंगे, लॉस ऑफ सेट्स पे आएंगे, लॉस ऑफ सेट्स पे, और लॉस ऑफ सेट्स पे या तो हम लोग बाद में आते हैं
एक हम लोगों की एक्सरसाइज इसी पे एप्लीकेशन बेस्ड है ए यूनियन बी पे, उसको देख लेते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड ऑन टू सेट्स, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम लोग देखने जा रहे हैं बेस्ड ऑन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, मतलब ए और बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स है स्टूडेंट, ए और बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो उन दोनों सेट्स पर हम लोग अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, जैसा अभी हमने आपको चाय और कॉफी वाला एग्जांपल दिया था दो सेट्स, बस उसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग देखने जा रहे हैं। जस्ट ए मिनट, तो चलिए अब हम लोग ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके एक फॉर्मूले पे आएंगे। फॉर्मूले पे, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, इट्स क्लियर दैट एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस पे स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो मैं अब आप लोगों को ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़ाने जा रहा हूं, इस पर आप लोगों की पूरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की सिक्स्थ एक्सरसाइज आप लोगों की दी हुई है। आई थिंक सो फिफ्थ भी हो सकती है, आप चेक कर लीजिएगा। टू सेट्स पर एक पूरी एक्सरसाइज दी हुई है, चाय कॉफी क्रिकेट हॉकी हॉकी टेबल टेनिस, इस तरह से दो दो सेट्स को लेकर उसने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाई है। तो पहले तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, और ये फॉर्मूला कैसे है ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो ध्यान दीजिएगा अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो उस समय ए यूनियन बी की डेफिनेशन बताती है कि एन ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो या तो ए से रिलेटेड होंगे, या तो बी से रिलेटेड होंगे, या तो दोनों से होंगे। बात तो समझिएगा। अब ये जो ए यूनियन बी लिखा हुआ है, इसको हम लोग और करके एन ए और बी भी कहते हैं। मतलब जब जब यूनियन दिया हुआ है तो याद रखिएगा कि ये आपसे ए यूनियन बी ना करके पूछ के आपसे ए और बी करके भी पूछ सकता है। टी और कॉफी, क्रिकेट और फुटबॉल, ऐसे करके भी पूछ सकता है। इसी को और करके हम लोग एन ए प्लस बी भी कहते हैं। इसी को और करके नंबर ऑफ पीपल हु प्ले एट लीस्ट वन गेम, मतलब अगर हम लोग ये बात करते हैं कि थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग मान लेते हैं, अगर मान लो हमने यहां पर लेट कर लिया कि जो हमारा सेट ए है वो पीपल हु प्ले क्रिकेट की बात कर रहा है, पीपल हु प्ले क्रिकेट सी आर ए सी के टी क्रिकेट की बात कर रहा है, मतलब सेट ए को हमने मान लिया कि वो ऐसे लोग हैं, सेट ए, सेट ए में ऐसे लोग हैं हु प्ले क्रिकेट, जो क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट याद रखिएगा, सेट ए हमारा बता रहा है क्रिकेट खेलने वाले, सेट बी अगर हमारा बता रहा है कि वो फुटबॉल खेलने वाले हैं, फुटबॉल खेलने वाले। अगर हम सेट ए को मान ले रहे हैं कि वो क्रिकेट खेलने वाले लोग बता रहे हैं, क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, सेट बी फुटबॉल खेलने वाले, तो ये अब हम आपके सामने अगर एक छोटा सा वेन डायग्राम तैयार करें,
ये हम वेन डायग्राम तैयार कर रहे हैं और हमने यहां पर यूनिवर्सल सेट माना, एक सर्कल बनाया जो सेट ए है और सर्कल बनाया जो सेट बी को बता रहा है। ये जो सेट ए बता रहा है वो क्रिकेट के लिए बता रहा है और ये सेट बी जो है फुटबॉल के लिए बता रहा है। फुटबॉल मतलब हम लोगों ने सर्वे क्रिकेट और फुटबॉल का किया है कि कौन कौन लोग क्रिकेट खेलते हैं, कौन कौन लोग फुटबॉल खेलते हैं, कौन लोग दोनों खेलते हैं, कौन लोग दोनों नहीं खेलते। तो ये ए यूनियन बी जो स्टूडेंट तुम लोग देख रहे हो, ये नंबर ऑफ पीपल हु प्ले एटलीस्ट वन गेम, ये उन लोगों के बारे में बता रहा है जो कम से कम एक गेम तो खेलते ही है। मतलब जो कम से कम एक खेल खेलते हैं, जो कम से कम एक खेल खेलते हैं। ये नंबर ऑफ पीपल हु प्ले एटलीस्ट वन गेम, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि ये वो ए यूनियन बी में वो शामिल होंगे जो कोई ना कोई एक गेम खेल रहे हैं, मिनिमम एक गेम खेल रहे हैं। मिनिमम एक गेम का मतलब या तो केवल क्रिकेट खेल रहे हैं, या तो केवल फुटबॉल खेल रहे हैं, या दोनों खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। नहीं खेलने वालों की बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसमें वो शामिल है जो कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि तो वो कौन से हैं जो एकदम नहीं खेल रहे, तो आप यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर दीजिए। अगर आप पूरे यूनिवर्सल में से ये सब हटा देंगे ए यूनियन बी, तो जो बाहर वाला बचेगा वो नाइदर वाला होगा। तो ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं, एन यूनिवर्सल सेट की, तो ये एक सर्वे को बताता है। सर्वे टोटल मतलब ये सर्वे या टोटल को बताएगा। जबकि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट की बात की जाएगी तो वो पूरा सर्वे है, पूरा टोटल है। इसमें खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, सब शामिल है। लेकिन अगर हम एन ए यूनियन बी को बता रहे हैं तो जो श्योर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मतलब ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, और ये जो सर्वे हुआ ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों है। मतलब अगर कभी भी आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो सर्वे या टोटल की बात कर रहा है तो वो यूनिवर्सल सेट को बताता है। लेकिन अगर कुछ ना कुछ खेल ही रहे, या कुछ ना कुछ खाई रहे, या कुछ ना कुछ पी रहे, यानी उसमें ना नहीं हो रहा है, पॉजिटिव है, तो वो यूनियन को बताता है। अब एन ए की बात कर ले, ये किसको बताएगा? नंबर ऑफ पीपल Who play cricket? ये उन लोगों के बारे में बता रहा है जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, क्रिकेट और ओनली क्रिकेट में भी बहुत फर्क है। अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट का मतलब ये पूरा सर्कल है, और अगर हम कहते हैं ओनली क्रिकेट तो ओनली क्रिकेट का मतलब ये वाला है। अगर हम कहते हैं फुटबॉल खेलने वाले लोग, फुटबॉल खेलने वाले तो पूरा सर्कल है। ओनली फुटबॉल खेलने वाले, केवल फुटबॉल खेलने वाले लोग, तो ये दोनों खेलने वाले बीच वाले हैं, दोनों नहीं खेलने वाले बाहर वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ पीपल हु प्ले क्रिकेट एनबी बता रहा है, नंबर ऑफ पीपल हु प्ले फुटबॉल, ये फुटबॉल को बता रहा है, नंबर ऑफ पीपल हु प्ले फुटबॉल जो फुटबॉल को बता रहा है, और ये जो बता रहा है ये क्रिकेट एंड फुटबॉल बोथ को बता रहा है, दोनों को। ये क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों को बताएगा, दोनों के लिए बता रहा है। अब तुम सोचो कि ये फॉर्मूला कैसे तैयार हुआ, मैं आपसे पूछ रहा हूं। चलिए, अगर हम आपको कहते हैं कि आप शेड करिए ए यूनियन बी को, आप ए यूनियन बी को शेड करिए, तो आप क्या करते हैं? इसको भी शेड करते हैं और ये इसको भी शेड कर रहे हैं। देखिए, तीनों को शेड करते हैं तब यूनियन बनता है, तब ए यूनियन भी बनता है। यहां ए यूनियन भी है, उसमें ये फॉर्मूला तैयार हुआ है,
इस ए यूनियन बी का जब वेन डायग्राम देखते हैं तो उसमें तीनों शेड होता है, ओनली ओनली ए वाला बी, ओनली बी वाला बी, बोथ वाला बी, तीनों मिलाकर शेड होता है। तीनों जब शेड होता है तो जाके ए यूनियन बी बनता है। उसी ए यूनियन बी का फॉर्मूला बना हुआ है, जरा देखिए। एन ए, एन ए का मतलब जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट, ओनली क्रिकेट नहीं बोल रहे हैं, क्रिकेट। तो ये पूरा है, यानी क्रिकेट में ये पूरा हुआ। क्रिकेट का मतलब ये पूरा हुआ, ध्यान दीजिएगा। क्रिकेट में ये पूरा सर्कल है, बीच वाला भी शामिल है, उसमें हम जोड़ रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। एनबी, एनबी का मतलब फुटबॉल खेलने वालों को जोड़ रहे हैं, फुटबॉल खेलने वाले भी पूरे हैं, फुटबॉल खेलने वाले भी पूरे हैं, उस फुटबॉल वाले में भी बीच वाला शामिल है। अब तुम बताओ कि एनए में, यानी क्रिकेट, क्रिकेट का मतलब पूरा सर्कल, उसमें बीच वाला शामिल है, उसमें जोड़ रहे हैं एनबी को, एनबी का मतलब पूरा फुटबॉल, उसमें भी बीच वाला शामिल है। तो ये बीच वाला तो दो बार शामिल हो गया, बीच वाला दो बार शामिल हो गया, जबकि एक ही बार शामिल कराना है। तो हम क्या करते हैं, एक बार बीच वाला घटा देते हैं, यानी हम ये बीच वाला जो है एक बार घटा दिए, तब क्या बचा, तीनों में लाके क्या हुआ, यूनियन। अब आपको समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला क्यों बना है। तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी का मतलब क्या है, हु प्ले एटलीस्ट वन गेम, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। एन ए नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पीपल हु प्ले क्रिकेट, यानी होल क्रिकेट जिसमें बीच वाला बोथ वाला भी शामिल है, प्लस नंबर ऑफ पीपल हु प्ले फुटबॉल, फुटबॉल भी पूरा सर्कल है जिसमें बीच वाला शामिल है। बीच वाला दो बार शामिल हो गया, एक बार घटा दिया गया, तो तीनों मिला के यूनियन हो गया। ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। अब इस फॉर्मूले में क्या है कि अगर आपको ये तीनों दिया है, ये निकालना है, एकदम आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, एक्सरसाइज पे जाइए, उसमें अच्छे से पढ़िए, सब आपको दिया रहेगा, एक मिसिंग होगा, एक निकालना होगा। यानी अब आपका ये तीनों दिया है, ये निकालना है, तब भी निकल जाएगा। मान लो ये नहीं दिया है, ये दिया हुआ है, ये तीनों दिया है, ये निकालना है बोथ वाला, तो भी निकल जाएगा। तो इस पे आप आराम से एक एक्सरसाइज पूरी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो एक फॉर्मूला ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके जब क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो उस समय स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपसे इसी में रिलेट करके कुछ और क्वेश्चन पूछेगा, वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। आपसे कहता है फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु प्ले एग्जैक्टली गेम ए, नंबर ऑफ पीपल हु प्ले एग्जैक्टली गेम ए और ओनली ए, केवल ओनली ए की अगर बात कर रहा है, पूछता है कि ओनली ए, वो लोग बताओ जो एग्जैक्टली गेम ए पढ़ रहे हैं, गेम ए खेल रहे हैं, या ओनली ए, ओनली ए का मतलब ये वाला बता रहा है। अगर यहां पे आपसे कह रहा है कि क्रिकेट की बात कर रहा है, तो यानी अगर आपसे, यानी आपसे पूछ रहा है ओनली क्रिकेट वाले निकालो, ओनली क्रिकेट वाले, ओनली क्रिकेट, तो भैया ये कैसे निकलेगा ओनली क्रिकेट। अगर हमारे पास एन ए, एन ए का मतलब ये पूरा है, इसमें से अगर हम ये कॉमन मतलब हटा दें तो ये ओनली क्रिकेट आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दें तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा ओनली क्रिकेट, ओनली ए, एग्जैक्टली गेम ए, तीनों का मतलब एक ही है। अच्छा स्टूडेंट, इसको मैं आपको बता रहा हूं कि इसको याद करो, हम लोग ए माइनस बी कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं ए माइनस बी, याद करो ए माइनस बी, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आप जो ये फाइंड कर रहे हैं वो एन ए माइनस बी फाइंड कर रहे हैं। यानी अगर जब जब एन ए माइनस बी कहा जाएगा तो इसका मतलब हु प्ले एग्जैक्टली गेम ए, ओनली ए, ओनली क्रिकेट,
क्रिकेट कीजिएगा तो चाय भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कॉफी, जिस तरह का क्वेश्चन हो तो आप इस तरीके से दिखा लेंगे एनए माइनस एनए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह अगर आपसे तीसरा एन बी माइनस से पूछ रहा है, जिसको कि हम लोग कहेंगे ओनली बी, ओनली फुटबॉल, या एग्जैक्टली बी, अगर एग्जैक्टली बी बोल रहा है तो आप एन बी में से एन ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दीजिए, एन ए इंटरसेक्शन बी को। तो ये अब आप लोगों का जो है ये तैयार हो गया। इज इट क्लियर? अब कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। देखिए ये आराम से आप लोगों का तैयार हो गया। इस पे अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। फोर्थ एक्सरसाइज, फिफ्थ एक्सरसाइज और सिक्स्थ एक्सरसाइज, आप छठवीं एक्सरसाइज तक चले गए, यहां तक आप लोग क्वेश्चन लगा के रखेंगे और इसके बाद अब आप लोगों का जो बच गया वो केवल प्रॉपर्टीज ऑफ सेट बच गया, और वेन डायग्राम तीन सेट्स पे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं बस दो ही टॉपिक बचे हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली इन वन और टू लेक्चर्स इट विल बी आल्सो क्लियर। थैंक यू सो मच, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।